अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा अली, वॉइस ऑफ कश्मीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि आज हमारे सामने कुछ छोटे बच्चे आए हैं जो जम्मू से आए हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जम्मू से आए हैं। आप क्या काम करते हैं? हम ये दर्जी बेचते हैं। अच्छा, तो कोई लेता है आपसे ये? कोई कोई ले लेता है, अभी सुबह से एक पीस भी नहीं बेचा हमने। एक पीस भी नहीं बेचा आपने? अच्छा, तो आपके मम्मी पापा क्या पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते हो आप? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आप इस वक्त ये कैसे बेच पाते हो? आप तो जानते हो कि लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं निकलता, कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकलता, तो आज आप कैसे बाहर आए हो? आज ये कोई बहुत सभी बोल रहे थे कि लॉकडाउन खुला है, तो हमने सोचा कि घर में है ही नहीं, कुछ तो निकलते हैं फिर बाहर। अच्छा ऐसा? अच्छा, तो लेकिन आपको तो पता ही होगा कि लॉकडाउन जो है वो वैसे का वैसा ही है, हमें बिल्कुल भी इस चीज़ को ये नहीं रहना चाहिए, हमें इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब आ जाएं बिना सोचे समझे। आपने तो देखा ही होगा कि कल भी कुछ दुकानें खुली हुई थी और फिर बाद में पुलिस ने उनको बंद करा दिया था, तो पुलिस आपको रोकती नहीं है? नहीं, वो उनको पता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। क्या नाम है आपका? इरफान। अच्छा इरफान, आप क्या करते हो? हम दर्जी बेचते हैं। अच्छा, आप दर्जी बेचते हो। आप पढ़ते हो जी? किस क्लास में? फोर्थ में। आप फोर्थ में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो आप? हम जम्मू में पढ़ते हैं। अच्छा, आप जम्मू में पढ़ते हो, तो अभी आप यहाँ कैसे हो? क्या करें, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो हम दर्जी बेचते हैं। अच्छा, घूम घूम के बेचते हैं। तो आपके मम्मी पापा क्या, वो कहाँ हैं? आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं? वो घर पे हैं, अभी बैठे हुए हैं, काम ही नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन की वजह से सब दुकानें बंद हो गए हैं, कुछ काम ही नहीं, फिर हमने बोला काम करके। अच्छा, इससे पहले आप ये काम नहीं करते थे? इससे पहले करते थे, फिर हम जम्मू में चले गए, जम्मू में अब गर्मी बहुत है तो हम इधर आ गए। अच्छा, तो आपका काम चल रहा है अभी, आपसे कोई खरीदता है ये सब? कोई कोई खरीदता है, कोई कोई नहीं खरीदता, कभी कभी। अच्छा, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हो? हो गया कोई 4-5 महीना हो गया काम करते। तो आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी हमारी गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे अपने देखने वाले नाज़रीन को? आपको सब लोग इस वक्त देख रहे हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे अपने नाज़रीन को? हमारे हम बच्चे हैं, छोटे छोटे गरीब हैं, तो कोई लॉकडाउन खोलो कोई 10-15 दिन का, तो हम गरीब हैं, हम भूखे हैं, तो हमें कोई राशन दो, कुछ दो। अच्छा अच्छा, आपको राशन, आपकी ये मांग है कि आपको राशन दिया जाए, आपकी कुछ मदद की जाए? सबकी मदद किया जाए, क्योंकि सबके छोटे छोटे बच्चे हैं जी, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोड पे मांगते रहते हैं, उसको भी राशन मिलना चाहिए, क्योंकि उसको भी मिलना चाहिए राशन पानी, कुछ भी मिलना चाहिए। वो मांगते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं रोड पे, कभी सिंगलों में, कभी एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, कभी कुछ हो जाता है, इसके लिए। जी बिल्कुल सही बात। चलिए, आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान। अच्छा मोहम्मद रिहान, मुझे ये बताइए आप क्या करते हैं? हम दर्जी बेचते हैं। आप सब लोग एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं? क्या लगते हो आप एक दूसरे के? भाई बहन हैं। आप सब लोग भाई भाई हो? अच्छा, आप सब भाई भाई हैं, ठीक। तो मुझे ये बताइए कि आप भी बेचते हो ये? हाँ, हम भी दर्जी बेचते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप भी पढ़ते हो? हाँ। आप भी इन्हीं के साथ पढ़ते हो? अच्छा, आप जम्मू में पढ़ते हो। तो आजकल आज आप किस वजह से बाहर आए हो? इस लॉकडाउन की वजह से। कोई लॉकडाउन नहीं खोल रहा है, क्या करें जी? कोई लॉकडाउन नहीं खोल रहा है, क्या करें? अच्छा, आप चाहते हो कि लॉकडाउन जो है वो खोला जाए? अगर लॉकडाउन खुलेगा तो फिर आप क्या करोगे? आप ये दर्जी बेचोगे या फिर स्कूल जाओगे? स्कूल जाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप आज आपने कितनी दर्जियाँ बेची हैं? आज अभी तक एक भी नहीं बेची है। अच्छा, एक भी आपकी नहीं बिकी। तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे अपने देखने वाले नाज़रीन को, अपने तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप क्या मैसेज होगी? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी कुछ मदद करिए, लॉकडाउन खोले, हमें राशन वाशन मिलना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपको राशन भी? आप कहाँ रहते, कहाँ हैं आप यहाँ? टैंकपुरा में। अच्छा, आप टैंकपुरा में रहते हैं, ठीक है। तो आपकी कोई मदद नहीं होती, कुछ भी नहीं, आपको इस लॉकडाउन में कोई राशन या कुछ भी आप तक नहीं पहुँचाया गया? नहीं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि राशन डाला जाए, उसके बाद फिर आप यहीं रहेंगे या फिर जम्मू जाएंगे? जम्मू जाएंगे स्कूल के लिए।
अच्छा आप स्कूल जाएंगे, उसके बाद फिर आपको कौन फिर ये कमाए? आप ये कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल बंद हैं, इस वजह से आप ये सब ये जो कॉटन ये हैं ये बेच रहे हैं? हाँ। ये कपड़ा बेच रहे हैं आप, इस वजह से ये कपड़े बेच रहे हैं? हाँ, घर में राशन वाशन है, कुछ खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए कुछ नहीं है इस वजह से। फिर कितना कभी आपने कितना कमाया होगा, यानी कि आपने ये कपड़ा जो है ये कॉटन का कपड़ा बेच के कितना कमाया होगा आपके लिहाज से? कभी आपने कुछ कमाया, कभी किसी ने खरीदा आपसे ये? कभी कभी बीच बीच में कुछ लेता है जिसमें जिससे हम खाना खा लेते हैं। आप ये लाते कहाँ से हैं? ये हम दुकान से लाते हैं, डैडी ने लाए थे दिल्ली से। अच्छा, डैडी ने दिल्ली से लाए थे। आपके डैडी भी ये काम करते हैं या फिर वो भी पहले यही काम करते थे? अच्छा ठीक। सुन रहे थे आप, देख भी रहे थे इन छोटे छोटे बच्चों को जो जम्मू से आए हैं और ये कपड़ा जो है वो बेच रहे हैं। इनका यही कहना है कि हमारे स्कूल जो हैं वो बंद हैं, ये जम्मू में पढ़ते हैं, इनके स्कूल जो हैं वो बंद हैं, इस वजह से ये काम करने पे मजबूर हैं। और इनको इनके पास खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इनके पास इनके घर में राशन नहीं है, इनका ये भी कहना है कि इनकी कोई मदद नहीं हुई। ये चाहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो जल्द से जल्द जो है हट जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, अनलॉक की जो प्रोसेस है वो शुरू की जानी चाहिए ताकि ये लोग भी जो हैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से हंसी खुशी गुजारे। वॉइस ऑफ कश्मीर दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन शुएब को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।